अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज की मेरी वीडियो मैथमेटिक्स पर बेस करती है। इसमें मैथमेटिक्स का 2019 का क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफिकेशन का, था सिंप्लीफाई करने का। लेकिन ये सवाल जो है वो 2017, 16, 14, 13, 12 और ऑलमोस्ट हर साल ये आता है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। तो सवाल देख लेते हैं, सिंप्लीफाई, ठीक है। सिंप्लीफाई करना है ए की पावर एक्स ओवर ए की पावर वाई, एक्स प्लस वाई होल पावर मल्टीप्लाई ए की पावर वाई ओवर ए की पावर जेड, वाई प्लस जेड होल पावर मल्टीप्लाई बाय ए की पावर जेड ओवर ए की पावर एक्स, ठीक है, और जेड प्लस एक्स। ये सवाल है, ठीक है, जो सिंप्लीफाई का आता है क्वेश्चन, ठीक है। सिंध बोर्ड का है ये सवाल, क्वेश्चन नंबर 2019 क्वेश्चन नंबर 2 है ये, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन या आंसर कह दें, ठीक है। हमेशा सॉल्यूशन के बाद हम लोग सवाल एज इट इज़ लिखते हैं, जो भी हो सवाल, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन, अच्छा इसको मैं एंड में आपको साफ़ सुथरा करके दिखा दूंगा। अभी तो मैं आपको जस्ट समझाने के लिए थोड़ा लाइनिंग वगैरह कर रहा हूँ। जब हो जाएगा कंप्लीट तो मैं आपको इसकी एरोज़ बना के बता दूंगा कि ये चीज़ यहाँ जा रही है, ठीक है। अब देखें, ये एक्स की पावर ए की पावर एक्स है, और ये ए की पावर सॉरी वाई, ए की पावर वाई है। तो हमने ये जो नीचे वाला ए है ये ऊपर चला गया, ठीक है, तो माइनस में हो गया, ठीक है। ये बेस सेम थी, ए हो गया, ठीक है, तो और ये एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। ये वाई ऊपर चला गया माइनस का, और होल पावर तो ए प्लस एक्स वाई है, एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई सेम एज इट इज़ मल्टीप्लीकेशन का साइन आ गया। अब ये ए की पावर जेड ऊपर चला जाएगा, तो ए वाई माइनस जेड होल पावर जो है वो वाई प्लस जेड एज इट इज़ आ जाएगी, ये वाली यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगी। इसी तरह मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पर ए की पावर एक्स जो है वो ऊपर चला जाएगा, तो ए जेड तो जेड पहले से ही है, ठीक है। माइनस एक्स की पावर ऊपर चली गई, तो माइनस एक्स, ठीक है, बेस सेम थी, ए आ गया, एक आ गया। अब जेड प्लस फोर जेड प्लस एक्स होल पावर एज इट इज़ आ गई, ठीक है। आई होप कि ये स्टेप आपको क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप है, देखें ए है, ए तो बेस सेम है, ठीक है। एक्स माइनस वाई इसको हमने अलग लिख दिया, एक्स प्लस वाई इसको अलग लिख दिया। ऑब्वियसली अगर ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखे बात एक ही है, क्योंकि दोनों पावर जो है वो एक ही है, ठीक है। अब ये एक्स माइनस वाई की पावर भी ए ही है ना, मतलब एक्स माइनस वाई जो पावर है वो भी एक ही है, और एक्स प्लस वाई पावर भी एक ही है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन आ गया एज इट इज़, ठीक है। ये भी हमने सेपरेट कर दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ए माइनस वाई माइनस जेड वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई का साइन ए की पावर जेड माइनस एक्स और जेड प्लस एक्स, ठीक है। आई होप कि ये स्टेप क्लियर है। अब देखें क्या है, ए बेस सेम थी, ठीक है, ए वैसे ही चलता हुआ आ रहा है, एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई वो वैल्यू, ठीक है। सेम एज इट इज़ होगा, वाई का स्क्वायर जेड का स्क्वायर बीच में साइन माइनस का, ए जेड का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गई वैल्यू भाई, ठीक है। अब देखें क्या कर रहे हैं, अब हम अब इन तीनों चीज़ों में, इन तीनों में ए जो बेस है वो सेम है, ठीक है, तो ए लिख दिया। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेस सेम थी तो अब पावर्स ऐड हो रही हैं, तो प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ गया क्योंकि बेस ली है, ठीक है, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। अब देखें, एक्स स्क्वायर कट रहा है पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर नेगेटिव भी कट रहा है, वाई जेड स्क्वायर पॉजिटिव कट रहा है, जेड स्क्वायर नेगेटिव भी कट रहा है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये वाई स्क्वायर पॉजिटिव, वाई स्क्वायर नेगेटिव, तो ये भी कट रहा है, तो बचा ए ज़ीरो नॉट, ठीक है। तो ए नॉट इज़ इक्वल टू वन, तो वन इसका आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद। आई होप कि ये वीडियो क्लियर है आपको। अब मैं आपको इसको एरोज बना के दिखा देता हूँ कि वो कैसे हुआ, ठीक है, अगर आपको इस तरह समझ नहीं आया।